से सर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हार्डवर्क नहीं है तो फल भी नहीं है, अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी। और इसलिए कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मेहनत करोगे तभी अच्छा फल मिलेगा। और उसी वजह से पहले शुरुआत में लगता था कि नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा वर्क है, लेकिन जब आप पहले तो उस आधार में ढलते हैं क्योंकि बाकी लोग भी काम कर रहे हैं आपकी जगह, तो उनके साथ जब आप काम करेंगे तो पहली बात तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली। फिर आप वो आपको बोलेंगे कि फिर आप क्यों आए, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना। फिर उसके बाद एक गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि गेस्ट ने आपको ड्यूटी दी है, आपको भी मतलब उनको सर्व करना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो जब गेस्ट जब खुश हो जाता है तो वो हमारा फल है सर एक्चुअली। वो जब वो बोल देता है, गेस्ट सामने से बोल दे कि नहीं हम आपको हमारा आप हमारा आपको सर्विस बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा सर्व किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जब वहाँ से जेपी से हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आगे किसी को भी आना हो तो ऑलवेज वेलकम है, तो वो एक जो खुशी मिली सर कि पूरी मेहनत हमारी जो हमने जो दी है, और भले ही हमको पैरों में दर्द होता था, बॉडी पेन करता था, लेकिन ऐसे ड्यूटी में वो पूरी दर्द भुलाना पड़ता है ताकि सारा सब कुछ इवेंट सब कुछ मैनेज हो जाए, क्योंकि आगे भी सर यही करना है, उसके लिए हमको खुद को ढालना है। तो ये मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क करना ही है, तो हार्डवर्क होगा तभी फल मिलेगा और फल बहुत अच्छा मिलेगा।